और हनुमान प्रकट हुए। आप जानते हैं हनुमान जी की कथा कि जब हनुमान जी प्रकट हुए केसरी और अंजनी के पुत्र के रूप में, केसरी माला और उसकी पत्नी अंजना, उसके पुत्र के रूप में हनुमान प्रकट हुए। तो आपने कथा सुना होगा कि जब हनुमान छोटे थे तो सूरज को जब निकला हुआ देखा उन्होंने, तो कोई खाने का फल है ये समझ करके हनुमान ने छलांग लगाई और सूरज को निगल गए। बाल समय रवि बक्षि लियो तब तीनम लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट काहु सुजातन तारो। बेगि हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन ना तिहारो। तो बाल समय रवि बक्षि लियो, अब इसका तात्पर्य क्या है? देखो ये जो कथाएं आती है हमारी, उसको उसी रूप में नहीं लेना चाहिए जिस रूप में आप पढ़ते हैं सुनते हैं। उसका तात्पर्य क्या है, उसका निहितार्थ क्या है, उसको पकड़ना चाहिए। तो कोई कहेगा कि भाई सूरज है ऊपर आकाश में और उसको खाने का फल समझ लिया और फिर छलांग लगाया, ये भी कोई बात हुई? इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य माने प्रकाश, हनुमान जी को बचपन से ही प्रकाश की भूख है। प्रकाश का तात्पर्य होता है ज्ञान, ज्ञान प्रकाश, हमारे यहां गुरु शब्द है। तो गुरु किसको कहते हैं? बोले गुकारोस्तु अंधकारोस्ति रुकारस्तन निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। अज्ञान अंधकार है और ज्ञान प्रकाश। तो अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा जो अपने शिष्य के अज्ञान अंधकार को मिटा दे उसको कहते हैं गुरु। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो प्रकाश की भूख है हनुमान को बचपन से, यानी ज्ञान की भूख है, इसलिए छलांग लगाया। इसलिए तो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए यहां कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में और एरोप्लेन में टेक ऑफ करते हैं तो छलांग लगाते हैं ज्ञान की भूख के लिए। घर छोड़ करके जाते हैं, पुराने जमाने में काशी जाते थे, नालंदा तक्षशिला ये सब विद्यापीठ थी हमारे यहां, विश्वविद्यालय थे और विदेशों से भी बच्चे आते थे पढ़ने। हमारे यहां काशी पढ़ने जाते हैं, काशी विद्या की राजधानी मानी जाती है। आज भी हमारे यहां ब्राह्मणों में जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उपनयन संस्कार के पश्चात उसका काशी प्रतिप्रयाण ये होता है निश्चित। तो विद्याभ्यास के लिए जाते हैं बच्चे। तो हनुमान जी को ज्ञान की भूख है बचपन से, हमारे बच्चों में ज्ञान की भूख जागृत होनी चाहिए बचपन से ही, कुछ नया 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 सीखना। तो यह हनुमान जी का चरित्र है और इसलिए हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य बने। हनुमान चालीसा में हम कहते थे ना, हनुमान जी से कहते हैं बल बुद्धि विद्या देह मोहि धर्म कलेश का, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। मुझे क्या क्या दो? बल बुद्धि विद्या देह मोहि, एक तो बल चाहिए,